जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में असामान्य मॉनसून के कारण इस बार धान की खेती और इसके उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका गहरी हो गई है। बाजार में इसी आशंका के कारण अब चावल के दाम भी बढ़ गए हैं। इसमें सभी किस्मों के चावल शामिल हैं जिनकी कीमतें जून महीने की शुरुआत से लेकर अभी तक में 30% तक बढ़ गई है। धान रोपाई के रकबे में कमी और निर्यात के लिए चावल की बढ़ती मांग को इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल सभी प्रमुख धान उत्पादन राज्य में धान की खेती का रकबा कम हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस साल 29 जुलाई तक धान का रकबा काफी कम है। इसके अलावा ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश और इराक से चावल की अधिक मांग आ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के प्रमुख उत्पादक राज्य में खराब बारिश के कारण धान की खेती प्रभावित हुई है। इसके कारण धान उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ गई। वहीं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि बांग्लादेश ने भारत से चावल का आयात करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते सोना, मसूरी जैसे चावल की किस्मों में दाम प्रभावित हुए हैं। ये चावल भारत में भी अधिकांश घरों में पसंद किया जाता है। इसकी कीमतों में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल धान की बुआई क्षेत्र की बात करें तो पिछले साल की तुलना में 37 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में धान की खेती हुई है। धान के रकबे में कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश में 39.7 मिलियन हेक्टेयर में खरीफ धान की खेती होती है, जबकि इस कुल रकबे का 10वां हिस्सा इस बार कम हुआ है। इसी तरह अगर उत्पादन देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर अष्टम 2.6 टन की उपज होती है। इस तरह से लगभग 10 लाख टन उपज प्रभावित होने की आशंका है। इस साल 29 जुलाई तक मॉनसून की बारिश असामान्य से अच्छी रही, पर इसका वितरण सही तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इससे प्रमुख चावल उत्पादक राज्य को घाटा हुआ है। इनमें अधिकांश राज्य धान की खेती के लिए बारिश पर निर्भर है। प्रमुख धान उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में बता दें कि लगभग 45% से ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 52%, बिहार में 41% और झारखंड में 50% बारिश के साथ स्थिति चिंताजनक हो गई है। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार ने तेलंगाना में केंद्रीय पूल में चावल खरीद कार्यों को बेहाल करने का निर्णय लिया है। राज्य द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से किसानों से धान की खरीद की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।